हे गाइस, आज मैं आपके लिए अफोर्डेबल फाइंड्स का जेम लेके आई हूँ। आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ब्रांड नेम्ड आसिवाना कलर्स एंड दिस वन इज जस्ट अमेजिंग। आई हैव ऑर्डर्ड अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस ब्रांड। एज यू कैन सी, दीज आर सो हैंडफुल। दिस इज ऑल आई गॉट फ्रॉम सिवाना कलर्स। इट्स ईजिली अवेलेबल ऑन अमेजॉन एज वेल एज ऑन फ्लिपकार्ट। यू कैन ऑर्डर दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर। एंड गाइज, द बेस्ट पार्ट इज नॉट ओनली दे आर रीजनेबल बट दे परफॉर्म एक्सपेंसिव। लाइक कहीं से भी लगता ही नहीं है कि आपने इतने रीजनेबल प्रोडक्ट्स को यूज किया है। एंड द क्वालिटी, पिगमेंटेशन एंड द परफॉर्मेंस इज जस्ट सो आउटस्टैंडिंग। यू कैन कंपेयर दीज प्रोडक्ट्स विद एनी अदर हाई एंड प्रोडक्ट्स एंड आई जस्ट मीन इट व्हेन आई से इट। गाइज, मेरे पास दो आई शेडो पैलेट हैं। This one is the first one which comes with a brush as well and this brush is also very amazing. Iski color theory dekho kitni zyada beautiful hai. Basic copperish golden shades, peachish pinkish mauveish family. It's just so amazing. Let me show you the hand swatches of some of the colors. Dekh sakte ho kitne zyada shiny pigmented shades hain ye sare. Aur main sirf ek baar hi le rahi. You can see the matte as well. Bahut hi zyada beautiful palette hai guys. बहुत गंदा हैंड वॉश दिया है नो, बट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और वाटरी सा इफेक्ट आता है इन दोनों शेड्स को लगा के। एज यू कैन सी, मैंने अपने इनर कॉर्नर में भी लगाया एंड इट लुक्स सो अमेजिंग। दिस इज द सेकेंड पैलेट गाइस। दिस वन इज सिवाना कलर्स हनी टी आई शेडो पैलेट एंड इट्स इन द शेड नंबर 4। गाइस, इसकी कलर थ्योरी तो मेरी फेवरेट है। यू हैव गॉट ऑल द ब्राउन्स एंड न्यूट्रल्स राइट ओवर हियर। दीज आर ऑल द शिमरी एंड द प्रेस ग्लिटर शेड्स एंड दिस वन लाइक पिगमेंटेशन ऑफ दिस वन इज बैंग ऑन। लेट मी शो यू द हैंड स्वॉचेस ऑफ फ्यू ऑफ द कलर्स। तो ये डार्क ब्राउन का देखेंगे, न्यूट्रल ब्राउन का देखेंगे। देख सकते हो कितने ज़्यादा पिगमेंटेड है। दीज आर दी मैट शेड्स। एक ग्लिटर शेड दिखाती हूँ आपको। दिस वन इज माई फेवरेट फ्रॉम दिस पैलेट। दिस वन इज अ रोज गोल्ड एंड दिस वन इज अ ग्लिटर शेड। कितने ज्यादा वॉटरी एंड हाईली पिगमेंटेड कलर्स हैं एज यू कैन सी। आईब्रो पेंसिल्स की तो मैं क्या ही बोलूं, दिस वन इज जस्ट सो अमेजिंग। मेरे पास दो ब्राउ मस्कारा हैं, वन इज फ्रॉम एसेंस एंड द अदर वन इज फ्रॉम अनस्तासिया बेवरली हिल्स। ABH इज माय फेवरेट बट दिस वन इज माय न्यू फेवरेट एंड दिस वन इज जस्ट अमेजिंग। यू गेट पेंसिल ऑन वन साइड, आना स्पूली ऑन द अदर। दिस इज अ ब्लशर पैलेट विच लुक्स एग्जैक्टली लाइक द सेम एज बॉबी ब्राउन ब्लशर पैलेट। एंड गाइज, इसकी पिगमेंटेशन देखो, मैं सारे शेड्स एक बारी में मिक्स कर रही हूँ। I'm gonna swatch it on the back of my hand. देख सकते हो कितना ज़्यादा beautiful peachish goldenish color आ रहा है। This one क्या ही बोलूँ, you can see it on my cheeks. Let's start with the brows. And for brows, I have two products: eyebrow pencil और एक brow cara, which is a brow mascara. तो आप अगर lazy हो तो आप as it is ये mascara लगा सकते हो, और अगर आपको एक बहुत defined brows चाहिए then you can use these two in combination. And guys, trust me, I'm not at all kidding. ये brow cara इतना कमाल का product है, इतना pigmented है. Like मैं essence का भी use कर चुकी हूँ brow mascara and Anastasia Beverly Hills का भी कर चुकी हूँ. ABH by the way मेरा favorite है and this one has topped them. तो ये बहुत ही ज़्यादा amazing product है. मैं दिखाती हूँ, एक आप में मैं पेंसिल लगा के दिखाती हूँ और एक आंख में आई है ब्राउ मस्कारा लगा के दिखाती हूँ। स्टार्ट विद दिस ब्राउ। इस वाली ब्राउ में मैं पेंसिल लगा रही हूँ। अप्लाई दिस ब्राउ मस्कारा ऑन दिस ब्राउ और आप रियल टाइम मैजिक देखोगे गाइस। अच्छा, ये थोड़ा थिक है, इसके बॉन्ड देख लो, थिक है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और लॉन्ग लास्टिंग तो मत ही पूछो। लाइक माइसरल वाटर से भी मुझे रगड़ना पड़ता है तब जाके निकलता है। दिस साइड इज विद पेंसिल एंड दिस साइड इज विद ब्राउ मस्कारा। आप दोनों ही ब्राउज देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्टनिंग लग रही है। मैं इसे भी टॉप अप कर लेती हूँ उस ब्राउ मस्कारा से। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो हो या आपको बहुत अच्छे फंक्शन में जाना है, बहुत डिफाइंड ब्राउज चाहिए, तो आप पेंसिल के ऊपर ब्राउ मस्कारा भी लगा सकते हो। या फिर अगर आप सिर्फ आईज पहले करते हो, लाइक बेस मेकअप बाद में करते हो और जब बेस मेकअप थोड़ा थोड़ा आपके आईब्रोज में ट्रांसफर हो जाता है देन आप क्लीन करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। आई शेडो के लिए मेरे पास दो पैलेट है और दोनों ही इतना ज़्यादा स्टनिंग है कि मैं क्या ही बताऊँ। लेट मी शो यू दी आई शेडो पैलेट्स इन एक्शन। मैं इसी ब्रश को इस्तेमाल करूंगी। आप इस साइड से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो और इस साइड से अपनी आईलेट पे कलर प्लेस कर सकते हो। दिस वन इज अ फ्लैट ब्रश एंड दिस वन इज अ बफिंग ब्रश।
गाइज दिस हाउ माई आईज आर लुकिंग एंड दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली प्रिटी. कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इतने रीजनेबल पैलेट से इतने धमाकेदार आई लुक कर दिया है. यू कैन सी हाउ गॉर्जियस माई आईज आर लुकिंग. नाउ लेट्स फिनिश अवर मेकअप लुक विद द हेल्प ऑफ अ ब्लशर एंड दिस वन इज सिवाना कलर शाइनिंग स्टार शिमरिंग ब्रिक. और आप देख सकते हो कितना प्रिटी है, कितनी प्यारी सी पैकेजिंग है. यू हैव गॉट ऑल द शेड्स ऑफ पिंक एंड पीच राइट ओवर हियर. इज अ हाइलाइटर एंड दिस वन रिमाइंड्स मी ऑफ द बॉबी ब्राउन ब्लशर. दिस वन लुक्स एग्जैक्टली द सेम. आप क्या कर सकते हो, आप सारे शेड्स को मिक्स करके भी लगा सकते हो और यू कैन मिक्स ऑल ऑफ दीज फोर शेड्स एंड देन यूज दिस वन एज अ हाइलाइटर. तो मैं एक गाल में आपको ये सारे शेड्स मिक्स करके लगाऊं के दिखाऊंगी. यू कैन सी हाउ सैचुरेटेड माय ब्रश इज लुकिंग राइट नाउ. टैप ऑफ द एक्सेस, देख सकते हो कितना प्यारा सा सटल सा ग्लो आ गया है. दिस वन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस, वेरी ब्यूटीफुल. सारे शेड्स कितने ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं. आप इंडिविजुअल भी शेड्स पिक कर सकते हो. अब मैं क्या करूंगी, चारों शेड को पिक करूंगी माइनस दी हाइलाइटर. डस्ट ऑफ दी एक्सेस, ये ड्यूई और ग्लोई ब्लशर लुक देता है एंड दिस वन लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. लेट मी फिनिश द लुक विद द हेल्प ऑफ दिस हाइलाइटर. दिस वन इज सो बॉम यू गाइस, एज यू कैन सी बहुत ही ज्यादा प्रिटी और ब्लाइंडिंग है. एंड दिस माय फाइनल लुक यू गाइस, आई होप यू लाइक इट. ये सारे प्रोडक्ट मैंने खुद से खरीदे हैं, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है एंड आई एम जस्ट ब्लोन अवे विद द फैक्ट ये प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं. लाइक रीजनेबल भी हैं, आपके पॉकेट में होल भी बर्न नहीं करते हैं और परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप किसी भी हाई एंड ब्रांड से कंपेयर कर सकते हो. दिस वन इज अ मस्ट बाय. आई हाईली रिकमेंड दिस रेंज फ्रॉम सिवाना कलर्स. फॉलो फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़. बाय बाय.